हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुन विद मॉम से बोल रही हूँ। आप सब कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप अपना प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोलिया और पनीर की सब्ज़ी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर से हेलो आपको। तो पनीर लिया है वो मैंने कद्दूकस कर लिया है, आधा पनीर मैंने कद्दूकस कर लिया है और आधा पीसीस कर लिए हैं पनीर के। दो शिमला मिर्च है वो कट कर लिया है बारीक बारीक, और हरी मिर्च है वो भी कट कर लिया है दो तीन, दो प्याज वो भी कट कर लिया है, और मक्खन लिया है मैंने, और चार टमाटर लिए हैं वो भी कट कर लिया है, दो एक तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची और छोटी इलायची दो, और जीरा और जो बेसिक मसाले होते हैं वो तो जो सभी सब्जियों में डलते हैं वो हैं। और मैंने छोलियों को उबाल लिया है, हल्का ही उबालेंगे। तो उबालने के बाद मैंने उनको छान लिया है और गैस पे रख दिया है कढ़ाई, उसमें मक्खन डाल के मैंने कढ़ाई रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। तो देखिए मक्खन पिघल गया है। तो इसमें मैंने तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची ऐड कर दी है, और साथ में मैं इसमें जीरा भी ऐड कर दूँगी। तो जीरा हमारा चटक चुका है, तो मैं इसमें प्याज जो मैंने बारीक काटी हुई रखी है वो ऐड कर देंगे अब हम। प्याज के साथ हरी मिर्च भी हम हल्का भून लेंगे। और हल्की प्याज होने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। उसे भी हल्का सा भुनेंगे। देखिए भुन चुकी है शिमला मिर्च भी, हल्की हल्की हो गई है दोनों। तो इसमें हम पेस्ट डालेंगे लहसुन अदरक का, उसे भी हल्का सा भून लेंगे। अब हम मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। फिर टमाटर भी ऐड कर देंगे अब हम इसमें। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल, जिससे कि टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे और इसमें अच्छे से मसाला पक भी जाएगा। तो नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मसाला हमारा भुन चुका है, देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले ने। तो पनीर जो हमने कट करा था पीसेस वो इसमें ऐड कर देंगे। और जो हमने छोले उबाले थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। साथ में इसमें चिली सॉस भी ऐड कर दूंगी। और अच्छे से मिला के इसे छोड़ देंगे। और इसे 5 से 6 मिनट के लिए गैस पे पकने देंगे। और 5-6 मिनट हो चुके हैं, देखिए फ्रेंड्स
तो सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो मैंने जो इसमें कद्दूकस किया था पनीर वो ऐड कर दूंगी इसमें। और इसे अच्छे से चला देंगे 1-2 मिनट के लिए, ऐसे ही रहने देंगे इसको, अच्छे से चला देंगे। और अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी, धनिया पत्ती, और गैस को कर देंगे बंद। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, देखिए ढाबे वाली सब्जी बनाई है आज हमने। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए, आ जाइए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।